हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी यामू, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज एक मैं दिवाली लुक के साथ आई हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने हेयर को टाई अप कर लिया है, अपने बैंड वगैरह लगा लिए एंड मैं टिश्यू से अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। वैसे मैं क्लीन करके थोड़ी देर पहले ही बैठी थी, तो मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया था, देन मैंने क्लीन करा। फिर मैं यहाँ पे मैं एब्स गुडनेस का टोनर लगा रही हूँ अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए। और आप भी मेकअप से पहले ये स्किप ना करें। देन मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, फटाफट लगा लेते हैं। वैसे ज़्यादा लेयर तो हमें बिल्डअप नहीं करनी चाहिए, बट ये इम्पॉर्टेंट है। देन मैं यहाँ पे जीवा का सीरम यूज़ कर रही हूँ, ऑयल यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो ये भी फटाफट लगा लेते हैं और हर स्टेप में 5 सेकेंड का या 10 सेकेंड का गैप छोड़िएगा एब्जॉर्ब होने के लिए स्किन में। देन मैंने यहाँ पे लगा लिया। फिर मैं यहाँ पे और मैं ब्रोज के लिए यहाँ पे मैं पैक का 02 यूज़ कर रही हूँ जेल, काफ़ी अच्छा है, इंडियन स्किन टोन पे अच्छे से जाता है 02। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ब्रोज मैंने एक फिल कर लिया ऑफ कैमरा ही, मैं ये फिल करके दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद मैं अपने ब्रोज को डिटेल कर रही हूँ, डिटेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने डिटेल कर लिया है, मेरे ब्रोज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। एंड फिर मैं अपने आईज़ को कंसील कर रही हूँ फटाफट, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंसील नहीं करूँगी, हल्का हल्का करूँगी। देन ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा लिया था और फटाफट मैंने ये अब फटाफट आईज़ पे कर लेते हैं। आप आईज़ के लिए देख लीजिए मैं कौन कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे ग्लिटर वॉल का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही प्रीटी है। तो ये मैंने इंस्टाग्राम के एक स्टोर से ऑर्डर किया था। अगर आपको भी परचेस करना है तो कमेंट में आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। देन मैं यहाँ पे फिटमी का वॉर्म बेज यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे स्किन टोन का ही है, मतलब मेरे स्किन टोन पे बिल्कुल ही परफेक्टली सूट करता है। तो फटाफट लगा लेती हूँ। देन ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और ब्लेंडिंग ही इम्पॉर्टेंट है। देन मैं अपने हाइलाइटिंग एरिया को हाइलाइट कर रही हूँ। देन मैं यहाँ कंटूरिंग के लिए मैं एनवाई का टॉफी स्टिक यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसे बहुत ही रीजनेबल है तो आप इसे ले सकते हो। देन मैंने दोनों साइड कंट्रोल कर लिया है और मैं अब अपने डबल चिन को हाइड करने के लिए या नीचे भी लगा रही हूँ। तो आप मेक श्योर कि आप इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना ब्रश की हेल्प से। और अब मैं लैक्मे का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे को जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ मैंने अपने पाउडरिंग कर ली है। और मैं अपने अंडर आई पे ज़्यादा पाउडरिंग करूँगी क्योंकि मुझे अंडर आई अभी करना है, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर एक्स्ट्रा रख दिया है। देन मैं यहाँ पे अब अपनी अंडर आई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाइट पिंक एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। देन मैंने उसी पैलेट में से ये हल्का पिंक कलर यूज़ किया है अपने ब्लशर के लिए। तो मैं यहाँ पे हल्के से हल्का ब्लशर लगाऊंगी, ज़्यादा हैवी नहीं लगाऊंगी। देन मैंने यहाँ पे अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मास्टर ग्रोम का गोल्डन एंड और अपना हाइलाइटर ना फिक्सर से पहले मत यूज़ करना, नहीं तो पैच बनने लगते हैं। तो मैंने अपने जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट करना था कर लिया। देन मैंने यहाँ एनवाई का पिंक लिपस्टिक यूज़ किया है।
वॉचिंग माई वीडियो, आपने इतना सपोर्ट किया एंड मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए भी। और जो भी आपको स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बाकी आप इस लुक को क्रिएट करके मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं ऊपर नीचे कहीं पे भी दे दूंगी। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट भी छोड़ देते हैं फिर दूसरी वीडियो पे। बाय बाय।